अल्लाह ताला ने रमजान में रोजा फर्ज किया है बिल्कुल, लेकिन हम लोगों के शौहर ने पकौड़े फर्ज कर दिए। रोशनी करेगी किचन में, आप सभी का रोशनी करेगी, काम नहीं खत्म होते, चांद रात तक काम रहता है, आज सभी का रोशनी करेगी। लेकिन मेरा चांद रात को काम खत्म हो जाता है, इसका स्टार्ट हो जाता है, आज सभी का रोशनी बस करेगी। बिल्कुल। और मामा फूलों का हार कहाँ है? वो ऑर्डर दिया है ना, अभी ट्रक पर लोड हो रहा है। मुझे जो है लाइट की थोड़ी कमी लग रही है, तो मैं जो हूँ ये वाली लाइट भी ऑन कर दे रही हूँ। टैप टैप, अब जो है लाइट जो है बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, सही है, अब नजर आ रही हूँ आपको चमक चमक के। तो भाई जैसा कि है कि आज जो है मतलब के 27 रोज़ा जो है वो ख़त्म हुआ होने लगा है, और मतलब के कल जो है 27 की शब गुजरी, तो जाहिर सी बात है कि हमने भी ख़त्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो है मतलब कुरान पाक जो है वो ख़त्म हुआ है। तो इस खुशी में जो है मम्मा जो है हमारे लिए स्पेशल बना, आज मैं नहीं बना रही हूँ, आज मम्मा बना रही हूँ। मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मम्मा जो है कहाँ है मम्मा जी? हाँ यहाँ है मम्मा। मम्मा पहले तो प्यार कीजिए, कुरान ख़त्म किया। और मैं एक बात और बता दूँ, कुरान में मतलब कि मैं इस दफ़ा तो है मैं कंप्लीट कुरान जो है तर्जुमे से इस दफ़ा नहीं पढ़ पाई, लेकिन इस दफ़ा मैंने सूरह मायदा और सूरह अलनिसा जो है मैंने उसको बहुत ज़्यादा तर्जुमे से पढ़ा है, और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आई थी मैंने मौलवी मतलब उलमा जो है गूगल किया, उनको यूट्यूब कर करके मैंने उसके तर्जुमे समझा। मम्मा को ये बातें काफ़ी मतलब अच्छी लगी है ना मम्मा? बिल्कुल। और मम्मा फूलों का हार कहाँ है? वो ऑर्डर दिया है ना, अभी ट्रक पर लोड हो रहा है। नहीं वो कुरान ख़त्म करते हैं ना हार वार पहनाते हैं ना, तो यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, हम तो बस ऐसे ही बेल हैं। खैर मम्मा जो जर्दा बना रही है, चले जी आपको जर्दा दिखाते हैं। मम्मा जर्दा बना रही हैं, क्यों बना रही हैं? तुम लोगों के लिए, हम लोग के लिए, और हम लोग के लिए। और खाने में क्या बना रही हैं? खाने में कढ़ाई बना रही हूँ। आए हुए जर्दा बना बेटा, जर्दा तो चलो कुरान की खुशी में बना है, लेकिन अल्लाह ताला ने रमजान में रोजा फर्ज किया है बिल्कुल, लेकिन हम लोगों के शौहर ने पकौड़े फर्ज कर दिए। अल्लाह आप मर रही हो, आप कुछ भी हो, पकौड़े आपको बनाने हैं। पकौड़े रमजान के बाद आप पापा के पकौड़े कितने दिनों के लिए बंद करेंगी? बिल्कुल बंद कर दूंगी, बंद कर देंगी। बहुत से वो है इनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल पे जो है चावलों को सुबह ही सुबह जो है भिगो दिया था, और ये सेला चावल है, और मम्मा जो है वहाँ पे पानी गर्म कर रही हैं। पे जो है जर्दे का रंग जो है मम्मा इसमें ऐड करने लगी हैं, और जर्दा जो है बहुत मज़ेदार जो है मम्मा बनाती हैं। मम्मा अच्छा सा ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर का बनाएगी ना? क्या कह रही हैं? डार्क नहीं होगा, ये बहुत लाइट लाइट वाला होगा, तो उसको भी डार्क कर लें। ये देखें यहाँ पे, हाँ आप परफेक्ट है। मम्मा ने जो है इसमें चावल जो ऐड कर दिए हैं, और उधर जो है मैं खोया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जर्दे में जो है खोए बहुत अच्छा लगता है। मम्मा ने जो है वो जर्दे के चावल को जो है वो बॉयल कर लिया है, और इसको जो है मम्मा स्ट्रेनर पे जो है निकाल रही है। देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के सेला चावल हुए हैं। मम्मा ये थोड़े सख्त हुए हैं, दम पे होंगे के लिए? सही, दम पे होंगे। चले भी निकाल लिया है मम्मा ने यहाँ पर, और अभी थोड़ा चावल है उसको और निकालते हैं, तो फिर इसको दम लगाते हैं, वो मतलब जर्दा रेडी करते हैं। भाई यहाँ पे जो अब जर्दा बनने लगा, मम्मा थोड़ी, मम्मा आपने कढ़ाई में क्या किया, देखची में क्या किया है? घी डाला है, लौंग और छोटी इलायची डाल दी है। हाँ घी कितनी डाली आपने? अंदाज से डाल दी, एक प्याली के करीब, एक प्याली करीब। अच्छा आधा किलो जर्दा बन रहा है, हाँ तो एक पाव चीनी डालेगी, एक पाव चीनी सही है, डाल दें। चटक मटक हो रही है, एक पाव चीनी चलिए। अच्छा एक पाव चीनी इनफ है? इनफ है। और आप? मैं इसमें दूध डालूंगी, एक कप दूध, एक प्याली दूध। पानी नहीं डालेंगे ऊपर से? नहीं। मम्मा भी हमारे सवालों से परेशान हो जाती हैं बाद दफा। ये दूध डाल दिया, अब ये बिल्कुल पानी सा बन जाएगा। ये चने इसको पकने देते हैं, और खोए की शक्ल देख ले कुछ इस तरह से हो रही है वहाँ पे, इसको पकाते हैं फिर। यहाँ पे ये देखें खोया जो है बन चुका है, अभी इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने फ्रिज में रख दूँगी, अब तक जर्दा मम्मा बना रही हैं।
देखिए हमारे नेबर के यहाँ से जो है वो बिरयानी आई है भाई। बिरयानी की खुशबू तो बड़ी अच्छी लग रही है, देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है बिरयानी। और इसको जो है मम्मा निकाल रही है। इफ्तारी में इस तरह की चटपटी चीज़ें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। क्या ख्याल है अम्मा? अच्छा अम्मा कह रही है हट जाओ, मेरे लालच पनी से अम्मा बड़ी परेशान रहती है ना अम्मा। चलिए निकालते हैं। देखा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है और देखें इस तरीके से कुछ हुआ है। इसमें मैंने केवड़ा वाटर भी डाला है, क्यों ऑटो भी डाला कुछ भी। अब इसमें चावल डाल के इसको फुल हीट पे पानी, क्योंकि चावल भी अपना पानी अच्छा खासा फेंक देगा ना, पानी अच्छा खासा पानी चावल छोड़ता है कि एकदम पानी ऊपर आ जाता है। या मैं डर सी जाती हूँ, मम्मा मुझे कहती है डरो नहीं मारिया, ये होता है ऐसा, है ना मम्मा। चलिए ये मम्मा ने डाल दिया इसमें और चावल तो बहुत अच्छे बॉयल किए मम्मा। सेला चावल की यही स्पेशलिटी होती है। 9 से 10 घंटा इसको भिगोया होगा ना हम लोगों ने। चले इसको जो चना है इसको मैंने शेरी के वक्त भिगो दिया था, शेरी के वक्त ना। अभी तो मम्मा कितना सारा पानी आएगा ना ऊपर, इतना पानी आएगा ना बेटा कि समुंदर बन जाएगा। मम्मा को जो है चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है मम्मा को। चले जर्दा बना रही है हमारी अम्मा हमारे लिए। इतना पानी मौजूद रहेगा बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है तो अभी इसी स्टेज पे ना इसको ना दम पे लगा देते हैं, कवर करके स्लो हीट पे रहने देते हैं, तो फिर जर्दा जो अच्छा सा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो है जर्दा जो है वो रेडी हो चुका है और आपको जो है दिखाते हैं कि जर्दे की हालत क्या है। बिल्कुल खैरियत से है, खैरियत से सही हो गया। ये चावल देखिए कितने अच्छे खिले खिले मम्मा राइस हो गए। और मम्मा आप जो जर्दा बनाते हो, जो आपने मुझे भी सिखाया है, तो वो चावल हमारे अकड़ते नहीं है ना? नहीं अकड़ते नहीं है, बहुत अच्छे। तुम्हें भी सिखाया, सबिका को भी सिखाया, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है। माशाल्लाह मुझे यहाँ पे कहना था रुबीना इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जो है आप हमारी मेहनत को जो है अप्रिशिएट करती हैं और आपको जो है हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपने मम्मा रुबीना इम्तियाज ने पूछा है कि ये कुकिंग कहाँ से आई, मतलब मम्मा से सिखाया है या किसे आई, यानी क्या सीखा। तो जाहिर सी बात है मैंने हर चीज़, चाहे वो कुकिंग हो या कोई भी चीज़ है, वो तमाम चीज़ें जो है मैंने घर से सीखी हैं। और मेरा पहला इंस्टीट्यूट और पहला स्कूल जो है वो घर रहा है, मेरी मम्मा रही हैं। है मम्मा, एक तो तुम लोगों को शौक भी है पकाने का और कुछ सीख भी लेती हो, लेकिन ये जर्दा है और जितनी ट्रेडिशनल रेसिपी, यानी हमें मसालों की जो पहचान है, जो समझ है, वो सब चीज़ें जो है हमें हमारे घर से हमारी मम्मा से मिले, क्योंकि हमारी मम्मा है, हमारी खाना है, हमारी मुमानी है, हमारी बड़ी मुमानी, वो तो इतनी चैम्पियन है ना खाना बनाने के बस क्या बात है। तो हर चीज़ें हमने उन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों को देख देख के, अपने घर की खवातीनों को जो है देख देख के सीखी। और सभी का क्या बनाती है सबसे अच्छा? सभी का आलू के पराठे इतने मज़ेदार बनाती है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा बनाती है, खाना वो भी अच्छा पकाती है। ये देखिए लेकिन उसको बना बनाया मिल जाता है ना। हाँ बनाती है वो, बहुत अच्छा बनाती है, बनाती है वो। अब जाहिर सी बात है हम बना रहे हैं तो वो मतलब किचन में आके क्यों बनाएगी। अभी आज जो उसका प्लान है कि वो किचन को आज से ठीक है वो लाइट वाइट उसने मंगवाएंगे, रोशनी करेंगे आज। आज हम किचन में रोशनी करेंगे, आज हम रोशनी पूरी, आज ना हम रोशनी कर देंगे, तो आज वह रोशनी करेंगी किचन में। डाल दिया है और अब आप दीजिए ना जो बांटने निकलना है मुझे, कुरान खत्म गया, मामूली काम किया। आप लोगों ने जर्दा वगैरह जो चढ़ चुका है और अभी जो है हम लोग इफ्तारी करेंगे। जर्दा तो अब इफ्तार के बाद ही मिलेगा क्योंकि उसको दम लगाना बहुत ज़रूरी होता है, सॉफ्ट उसको करना ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर चलते हैं इफ्तार करते हैं। मम्मा ने यहाँ पे जो है बहुत मज़ेदार किस्म की जो है कढ़ाई गोश्त बनाया है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ इसको सही से। और इसके साथ जो है मम्मा ने बाज़ार से जो है ना वो रोटियाँ मंगवा ली हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे कढ़ाई गोश्त हम लोगों के लिए बनाए और इसके साथ मम्मा ने जो है वो रोटियाँ मंगवाई हैं। चलिए जी खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे जो है जर्दा अब मिलने का वक्त आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरमान हसन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू भैया। वीडियो देखने हैं, व्लॉग देखने हैं, कमेंट करते हैं आपको ब्रोस्ट अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे जो है चले फिर सैमा फजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट और हुदा खान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, लव यू। और चले फिर आपको जर्दा दिखाते हैं और निकलते हैं। और अभी मम्मा को कहीं देना भी है तो मैं पड़ोस वगैरह के लिए मम्मा निकाल रही हैं तो वो भी आपको दिखाती हूँ। देखें हमारे जर्दे की देख, इधर ले आए ना काउंटर पे, जर्दे की जो है ना वो देख खुल रही है यहाँ पे हैं। अम्मी रोटी खुल रही है हैं मम्मा? हमारे यहाँ बोलते हैं रोटी खुल रही है, हमारे यहाँ ये नहीं बोलते, पंजाब साइड में ये बोलते हैं रोटी खुल रही है, हमारे यहाँ नहीं बोलते। ये देखें भाई इधर, मम्मा आपने अशरफियाँ नहीं डाली भाई, बहुत मीठी होती है, मम्मा ने कहा बहुत मीठी होती है ना, सिर्फ हमने कहा रहने। ये देखें कितने अच्छे चावल ये लग रहे हैं, आधा किलो एक किलो हो गया मम्मा जर्दा, देखें माँ के हाथों में बरकत। ये देखें बिल्ली आ गई है खोया चाटने, बिल्ली खोया चाट रही है, खोया मम्मा ने बिल्ली के लिए साइड पर रख दिया, बिल्ली को खोया बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्ली खोया चाट रही है। और अब मम्मा जो है वो निकाल रही है, क्या मम्मा कितने घर में देंगी?
दो तीन घरों में तो देंगी, दो तीन घरों में देंगी। चले हैं भाई, आज मामूली काम थोड़ी हुआ है, आज बड़ा काम हुआ है मामा। बस समझे, रमज़ान की यही सारी चीज़ें होती हैं और यही मोहब्बत होती है, किसी में इंसान काफ़ी चीज़ें जो है बना लेता है और बस शेयर करते हैं। आम दिनों में कहाँ ये सब खुशियाँ मिलती हैं भाई। जर्दे मिलते हैं मामा आम दिनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्दे आम दिनों में नहीं मिलते, आम दिनों में नहीं मिलते। सब्जी अपने लिए निकाल रही है, सभी का अपने लिए निकाल रही है, सभी का निकाले, अभी सभी का टेस्ट करके बताएगी, बताओगी? नहीं नहीं बताएगी, बताइए ना। लेकिन क्या बताएगी, मम्मा का तो अच्छा ही लगेगा उसको। बहुत मजेदार है, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, ये देखा। जबरदस्त लग, बहुत अच्छा रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए प्रॉपर रेसिपी, दो से तीन तरीके के जर्दे, गुलाब जामुन वाले जर्दे भी, अशरफियों वाले जर्दे भी, सब कुछ जो है मैंने मसारा किचन के कुकिंग चैनल में अपलोड की हुई है। और यहाँ पर जो है मम्मा ने जो ये अशरफियाँ इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि भाई ये अशरफियाँ जो है बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, इसलिए जो है आज हमने अशरफियाँ ऐड नहीं करवाई हैं। आपने अगर बनाना है तो आप अशरफी ऐड कर सकते हैं, और बाकी रेसिपी जो है अगर हम कैसा बनाते हैं तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दे दूँगी। आज मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मा जा रही है लेने, ना ही सभीका को भेज रही है। क्यों? तो सब मुझे बता रहे होते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी ज़िंदगी में तो इतनी छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से सबकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, शेयर करते हैं बेचारे मुझसे, मैं ही उनकी मैं जो अभी सारी लाइटें वगैरह बंद करके मम्मा का वेट कर रही हूँ कि अभी वो आएंगी, तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो फिर ज़रदा जो है साथ इंजॉय करेंगे। और खुशबू इतनी आ रही है ना कि बस अभी इफ्तारी मैंने की, इफ्तारी में आज सिर्फ मम्मा ने पकौड़े बनाए थे और तरबूज जो लाए थे वो रखा हुआ था हाफ, तो मम्मा ने वो कट किए थे, तो बस सब मुझे दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी सब मैं ज़रदा खाऊँ। ओए होए होए, मीठा मीठा तो भाई जान है। तो चलें फिर, सारे काम वगैरह से फ्री हो गए, मतलब ये खाना खापे से हम लोग फ्री हो गए। और यहाँ अभी जो है काफ़ी रात हो रही है, और देविया सरोज भाई इनवाइट करने के क्या लगता है, मतलब एक तरफ तुम लोग दी भी बोलते हो और दूसरी तरफ कहते हो इनवाइट दी, क्या इनवाइट करेंगे तुम लोग? तुम लोग तो हर वक्त इनवाइट हो, इसलिए जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग जो है आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं, और आप तो हमेशा जो है इनवाइट हो। लव यू मेरी जान। और सालन रोडियो ऑफिसर भाई थैंक यू, तुम्हें जो है मैं शलवार का भी अच्छी लगी, थैंक यू यार तुम्हें, हम लोग अच्छे लगे। और कहाँ थी तुम इतने दिन से, टेल मी व्हाई। चलो फिर, घर की जो है साफ सफाई हो रही है, मतलब किचन को आज सभी का रोशनी करेगी, किचन में आज सभी का रोशनी करेगी, काम नहीं खत्म होते, चांद रात तक काम रहता है, आज सभी का रोशनी करेगी। लेकिन मेरा चांद रात को काम खत्म हो जाता है, इसका स्टार्ट हो जाता है, आज सभी का रोशनी बस करेगी, रोशनी। सभी का जो है आज कितनी प्यारी लग रही है, कितनी हसीन लग रही है, अभी जो प्लास्टिक लेकर आए थे टेबल पे जो है सभी का और मम्मा वो लगा रही हैं, मारिया जो है इन दोनों की वीडियो बना रही हैं, कैमरा क्यों ब्लर आ रहा है चेक कर, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो सही। ओए होए, ये देखें भाई इसके जो चेक, इसको ना चेंज ये लोग यहाँ पे कर देंगे जल्दी जल्दी से, माँ बेटिया देखने अब कैमरे का रिजल्ट सही हुआ। एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है वो रिपेयर होने गया था ना, तो वो टेप जो है उसने कैमरे पे लगा दिया था, इसलिए जो मसला हो रहा था यहाँ पे ये सफाई। कौन सी कंपनी का फ़ोन है? मेरे पास कौन सी है तुम बताओ, मुझे तो पता ही नहीं होता है, टेक्नो है ना? टेक्नो है पर नंबर मुझे याद नहीं है, मुझे तो ये सब तो तुम ही लोग मुझे दिलाते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कौन सी कंपनी का है? तुम्हारे पास रियलमी, रियलमी है बस नाम पता है, नहीं वो मॉडल कौन सा ये सब मुझे नहीं पता होता। लेकिन रियलमी का रिजल्ट ही पसंद, मेरा पास रियलमी 9i है, सोच रहा हूँ उसका, और इसको नहीं पसंद उसका रिजल्ट। हाँ किसी दिन मैं आपको बना के दिखा दूंगी उसका रिजल्ट। न्यू प्लास्टिक लगाने से कितना अच्छा सा लुक आ गया है, और सभी का ने यहाँ पे वॉश को भी ना सेट कर दिया है, वॉश किया है, वॉश करके सेट किया, किचन के भी सारे फ्लावर्स। ये कि हमने जो है बोल्टन मार्केट जो प्लास्टिक बाजार से जो शॉपिंग की थी उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, क्या कहती हो? क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, हमारी बोल्टन की वीडियो देखो कितनी पुरानी हो गई है। हाँ तकरीबन साल लास्ट ईयर लिया था ना सारा सामान, मेरा हमने लिया था, बिल्कुल इसमें गंदा नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा है सब कुछ, क्वालिटी बहुत अच्छी। देखिए किराया बहुत ज़्यादा है, नहीं तो दोबारा जाते हैं, दोबारा जाते हैं, और पैसे भी बहुत ज़्यादा है इसलिए। नहीं पैसे तो नहीं मानो, रीजनेबल प्राइस में चीज़ें। हाँ लेकिन दिल चाहता है ये चीज़ें बहुत रीजनेबल थी। लग रही है
जो कि दराज से सभी का ने मंगवाई थी, तो इसको जो ऊपर ऊपर करके लगाऊंगी ना, क्योंकि नीचे चूल्हा जलता है तो फिर हीट इस पर ना लगे। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यूं यूं करके लगा दूँ ना कि खूबसूरत से ग्लो आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुँच जाएगा, बस इस तरह से लगा दो। जो है किचन जो है सज चुका है, और ये देखिए ये लाइट्स लगी हैं। अच्छा जी, ये वाली लाइट भी यहाँ पे लगी है, लेकिन इसकी जो है बैटरी नहीं आई थी, बंदा भूल गया था बैटरी लाना, तो इसकी बैटरी जो है कल मैं और सभी का जाएंगे तो वो लेकर आएंगे, तो फिर ये लगाएंगे। और ये देख लीजिए भाई, इस तरीके से ये देखें ये किचन, और ये नन्ना मुन्ना सभी का छोटा छोटा सा फ्रेंड सब जो है हमने यहाँ पे लटका दिया है। बड़ा ही खूबसूरत सा लुक आया, ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा। आप ये देख लें भाई, सजिया है किचन, और अभी जो है ये वाली लाइट भी जल जाएगी ईद वाले दिन, और भी सब कुछ और अच्छा हो जाएगा तो और खूबसूरत लगेगा। और मेरे देखें बाल कैसे हवनमक से लग रहे हैं। बस जी यहीं पर जो है वीडियो करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिएगा लाइक, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पर हमें जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।